ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 अगस्त के ईश्वरीय वरदान के बारे में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम बेफिक्र बादशाह बन जाएं। अब बेफिक्र बादशाह, अगर एक बादशाह को बहुत फिक्र है, चिंता है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आप सोचिए, आप मंत्री हैं उसके अंदर और आपको बता रहे हैं कि जाओ ये करो, जल्दी करो, क्या आप उसके ऑर्डर्स को निभा पाएंगे, कर पाएंगे? क्या आपको उस समय वो पैनिक करते हुए, स्ट्रेस में आए हुए, डिप्रेशन में रहने वाले राजा के ऑर्डर्स ठीक लगेंगे, सटीक लगेंगे? तो अगर आप एक घर के एल्डर हैं, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, या आप एक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, या आप एक एनजीओ के आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या आप एक दुकान चलाने वाले और आपके अंडर काफ़ी सारे कर्मचारी हैं, अगर आप ही पैनिक करेंगे तो आप क्या औरों को गाइड कर पाएंगे? सोचिएगा। तो इसलिए परमपिता परमात्मा हमें ये वरदान से समझाते हैं हेडिंग में, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले, मास्टर रचयिता भव, हम अपना प्रभाव डालें उस वायुमंडल पर, यानी कि उसके प्रभाव से हम प्रभावित हो जाएं। कुछ बुरा हुआ, हम हाय तौबा करने लग गए, किसी ने कुछ कह दिया, हम उदास हो गए, किसी ने कुछ गलत कर दिया हमारे प्रति, हम उसको ही क्रिटिसाइज करने लगे, उसके पीछे पड़ गए, दिन भर उसको हमने ताने दिए, उसको बददुआएं दी। ये बेफिक्र बादशाह नहीं हुआ, ये वायुमंडल से उसको असर पड़ गया, लेकिन हमें उल्टा करना है। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है कि नहीं है, परमपिता परमात्मा का तो करोड़ों अरबों खरबों का परिवार है, तो और उनके नीचे जो ब्रह्मा बाबा हैं एडम, उनको तो -1 कर दो आप, परमात्मा को अगर छोड़ दिया जाए, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कितने रह गए? अगर 700 करोड़ हैं सपोज, उसमें से आप एक कम कर दो, 699 करोड़, 999, तो आप सोचिए जरा। परमात्मा कहते हैं कि इतने बड़े परिवार होते हुए भी दुनिया में क्या कुछ नहीं चल रहा है, और ब्राह्मण परिवार में भी क्या कुछ नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें देखते हुए भी वो बेफिक्र बादशाह। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, क्योंकि उनको पता है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा ने अपने अनुसार ही सर कर्तव्य करने हैं। आप जितना समझा लो, जितना उसको परेशान कर लो, जितना उसके पीछे पड़ लो, जितना उसको दबा लो, जितना उसको आप ढकेलो या पुश करो, उसका जो पार्ट है उसने वही पार्ट बजाना है आत्मा ने। तो ये क्यों नहीं कि हम अपने आप को ही ठीक कर लें, हम अपने आप को ही पुश करें सही मार्ग पर, अपने आप को ही पुश करें सही सोचने पर, अपनी ही सोच को हम यू टर्न बना लें, यू टर्न ले लें उस सोच में, क्योंकि वो जो करते हैं उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। अब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो मतलब क्या है? इसके लिए आपको तो ब्रह्मा कुमारीज में आकर के, ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा के कुमार और कुमारीज, आपको आगे समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा बाबा जो थे उन्होंने करा क्या, फाउंडिंग फादर ने करा क्या, ऐसा जिससे कि आज ये 150 कंट्रीज में फैली हुई ऑर्गेनाइजेशन है, 86 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हलचल में नहीं है, बढ़ती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है, क्यों, क्या सिद्धांत है? तो परमात्मा कहते हैं, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। क्या बुरे वायुमंडल नहीं आते ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें नहीं आएंगे क्या? क्या आपके घर में नहीं आते? क्या आपकी फैमिली में नहीं आते? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते? क्या आपके काम करने वाली जगह पर नहीं आते? हर किसी को आते हैं, लेकिन या तो हम वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालें या वायुमंडल से हम प्रभावित हो जाएं। तो वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है, किसकी रचना है? हमारी रचना है। सपोज अभी कुछ सिचुएशन आती, गलत सिचुएशन आती है, लेकिन उस समय हम उसको पकड़ करके अगर हम उसके और विस्तार में जाएं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जैसे कल आपने सुना होगा वरदान में, क्यों, क्या, कैसे, इन सब चीज़ को छोड़ना है हमें। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैंने बोला था ना नहीं करना था, तुम्हें समझ नहीं, तुम अकल नहीं है, तुम इतने समझदार हो कि भी ऐसे काम करते हो, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना और ये सब कुछ करने से हम वायुमंडल को कैसे बना रहे हैं? आप सोचिए जरा, वही माई वायुमंडल आपको हावी, आपके ऊपर हावी होगा और औरों के ऊपर भी हावी होगा, हर एक की सोच में ताला लगा देगा, किसी को कोई रोशनी नहीं दिखाई देगी इस सिचुएशन से निकलने की। इसलिए हाय तौबा नहीं करना है उसी, जैसे अपना आराम से उसी सिचुएशन को देख करके, हाई उसे ना करते हुए, सिचुएशन को देखते हुए उसमें अपने शक्तियाँ जो दी हैं परमात्मा ने, 8 शक्तियाँ, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके, बुराई में भी अच्छाई, जो कि हमने कल पढ़ा,
उसको देख करके हमें आगे बढ़ना है, तब आप कहे जाएंगे बेफिक्र बादशाह। तो परमात्मा कहते हैं, प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। परमात्मा तो रचयिता और हम उनके बच्चे मास्टर रचयिता। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो, रचता का रचना के ऊपर, क्रिएशन के ऊपर प्रभाव। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, कि ये जो सिचुएशन है इसको मैंने जीत लिया, जीत हुई पड़ी है, इसमें से भी कुछ अच्छा ही निकलने वाला है, बुराई में से भी अच्छा निकलने वाला है, और हमने इसको जीतना ही जीतना है, इसको परिवर्तन करना ही करना है, लेकिन बिना किसी को ब्लेम करे हुए, बिना किसी को क्रिटिसाइज करे हुए, ना क्रिटिसाइज ना ब्लेम ना कंपीट ना ना किसी से कंपैरिजन करते हुए, ना अपने आप को कोसते हुए ना औरों को कोसते हुए, ऐसे करना है, ये कला सीखनी है। तब जा करके हम क्या बन पाएंगे, एक लीडर बन पाएंगे, चाहे वो घर के लीडर हों, चाहे संसार के लीडर हों, चाहे हॉस्पिटल में लीडर हो, चाहे एनजीओ में लीडर हो, चाहे ऑफिस में लीडर हो, चाहे आप अपने ही बिजनेस में लीडर हो। तो परमात्मा कहते हैं, रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो, कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ, विजयी आत्मा हूँ, मैं एक सक्सेसफुल आत्मा हूँ। ये एफर्मेशन या ये स्लोगन अगर आप याद रखें तो भी बहुत बड़ी बात है। कोई सिचुएशन आई, मैं विजय रतन आत्मा हूँ, मेरे परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें सीखते हैं आप ब्रह्म कुमारीज में आकर के। अगर आप और विस्तार में जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, सफ़ेद वस्त्र में दीदियाँ भाई वहाँ पे वेट कर रहे हैं आपका, आप वहाँ पे जा करके 7 डेज का कोर्स करें और इसी चीज़ को आप निःशुल्क बिना कोई पेमेंट करे हुए जा करके सीखें। इसी के साथ ओम शांति।